एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल के दिशा निर्देशों अनुसार थाना इंदौरा के अंतर्गत आज देर शाम होटली रैंप पर नारकोटिक्स टीम द्वारा एक व्यक्ति को नशीले कैप्सूल सहित पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी साहिल अरोड़ा ने बताया कि नारकोटिक्स टीम अपनी टीम के साथ गश्त कर रही थी, इसी दौरान एक व्यक्ति से तलाशी के दौरान 216 नशीले कैप्सूल पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी के खिलाफ आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदर जी, आपने जो माल पकड़ा है, कितना माल पकड़ा है और ये नाम क्या है इसका, कहाँ से पकड़ा आपने? हमने इसको, इसका नाम है टोनी, पिता का नाम मोहनलाल निवासी लमीनी, इसको हमने मोटरी रैंप से पकड़ा है और इसके पास से 216 कैप्सूल रिडले नशीले कैप्सूल पकड़े हैं। और श्री संतोष पटियाल जी एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार नशे पे काबू करने के लिए जो है अभियान जो है चलाया हुआ है। सर, पहले भी उसके ऊपर कोई मामला दर्ज है? इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं है, उसके बारे में पता किया जा रहा है। कौन सी धारा के तहत आपने मामला दर्ज किया है? सेक्शन बाई एनडीपीएस एक्ट। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट।